नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा लव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ लिया था। आज हम व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या व्यंजन का किसी स्वर के साथ, है ना, जो मेल होता है, मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में इस व्यंजन संधि में भी एक संधि आती है जिसका नाम है जसत्त संधि। जसत्त संधि, जसत्त संधि का जो सूत्र है वो है झलाम जस झसी। ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो देखिए, अब जसत्त संधि में कैसे करते हैं, इस सूत्र के द्वारा कैसे उदाहरण किए जाते हैं वो देखते हैं एक बार। वर्गों की 1, 2, 3, 4 यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण परे हो तो उसी वर्ग का तीसरा तृतीय वर्ण यानी तीसरा वर्ण हो जाता है या तृतीय वर्ण हो जाता है। कैसे दोस्तों? जैसे द द ध प्लस ध, यानी कि क्या है? घ है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके स्थान पर क ख ग, तो इसका क्या बन गया? दग्ध। ठीक है ना। अब उसके बाद में बुध, बुध प्लस धी, तो इसका क्या बन गया? ये कौन सा वर्ण है दोस्तों? यह चौथा। त थ द ध, यह क्या कह रहा है? तीसरे या चौथे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। तो कौन सा वर्ण कर देंगे? अपन द कर देंगे। इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? द कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका बन गया बुद्धि। ठीक है ना। अब तीसरा उदाहरण अपन देखते हैं, सिद्ध प्लस धी। सिद्ध प्लस धी, तो इसका क्या बन गया दोस्तों? सिद्धि। यानी कि इस ध के स्थान पर भी क्या आ गया दोस्तों? द आ गया। अब इसके आगे इसमें एक और है, एक और जो मतलब सूत्र है जिसका नाम है जलाम जसोयंती। ठीक है ना दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, देखो जलाम जसो अंते, यानी कि यदि पतांत में जल वर्गों के 1, 2, 3, 4 स स स और ह हो तो जस उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 हो, स स ह हो तो जस वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं अपन, तो जगत धन ईश, तो इसमें है जगत, जगत धन इसका क्या बनेगा? जगदीश, जगदीश। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा उदाहरण क्या है, इसमें क्या है? त के स्थान पर कौन सा स्थान हो गया? द हो गया, यानी कि तृतीय वर्ण हो गया ना, ज त थ द, तो त के स्थान पर तृतीय वर्ण हो गया। तो हमने क्या कर दिया इसको? ये त द और ई को मिला करके जगदीश कर दिया। इसके बाद में दिक्त धन अंबर, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तृतीय वर्ण कौन सा होगा? ठीक है ना दोस्तों। जैसे दिगंबर, दिगंबर। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि क का तृतीय वर्ण क्या हो गया? ग, तो इसका क्या हो गया? दिगंबर। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सस धन आमन, सस धन आमन, तो इसका क्या बन गया दोस्तों? सस धन आमन का क्या बन गया? सड़ानन, सड़ानन। ठीक है ना दोस्तों, है ना। अब बाक धन ईसह, इसका क्या बनेगा दोस्तों? बागीसह, बागीसह। यानी कि ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। ठीक है ना। और च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा?
च छ और ज, यानी जो अपने जो वर्ग हैं पांच उनका तृतीय वर्ण अपन को करना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे बागधन इसका बागीस बन गया, अच धन आदि, तो अच धन आदि का क्या बन जाएगा दोस्तों, अजादी, अजादी, ठीक है ना दोस्तों, है ना। अब ऐसे ही और भी उदाहरण अपन देख लेंगे, ऐसे और भी उदाहरण अपन देख लेंगे। देखो दोस्तों आगे का उदाहरण है वो सत्य धन आनंद, तो इसका क्या बन जाएगा, सदानंद, यानी कि त के स्थान पर तृतीय वर्ण जो है द वो हो जाएगा। अच धन अंत, तो च के स्थान पर तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, च छ ज, तो अजंत। सत धन धर्म, तो त के स्थान पर अपने को क्या करना है, तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण द का तीसरा वर्ण कौन सा है, द, तो सद धर्म। सुख धन अंत, यानी कि प का प फ ब, तृतीय वर्ण कौन सा है, व, तो इसमें क्या कर दिया हमने, सुबंत कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में बाघ धन अत्र, तो क का तृतीय वर्ण कौन सा है, ग, तो बाघत्र। यहाँ पर हमारी जो है वो जसत्व संधि है ना समाप्त होती है। देखो दोस्तों अब इसका जो दूसरा है वो कौन सा है, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मौनुस्वार। मौनुस्वार का मतलब है पद के अंत में स्थित म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, लेकिन क्या हो, व्यंजन वर्ण होने पर, व्यंजन वर्ण परे होने पर क्या होगा, म घरंत म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ग्रहम प्लस गच्छति, तो ग्रहम गच्छति, यानी कि ये जो माँ है इसका हमने क्या कर दिया, अनुसार बना दिया, ठीक है ना। हरिम प्लस बंदे, तो हरिम बंदे, यानी कि इस माँ का हमने यहाँ अनुसार बना दिया, ठीक है ना दोस्तों। त्वं प्लस पटसी, यानी कि त्वं पटसी, यानी कि ये जो माँ है इसका अनुसार हमने वर्ग के ऊपर लगा दिया, क्या बन गया, त्वं पटसी, ठीक है ना। सत्यम वदः, तो सत्यम वदः, यानी कि हरंत म को हमने अनुसार बना दिया है। स्वदेशम सेवते, यानी कि स्वदेश, स्वदेशम सेवते, यानी कि इस मंत्र को क्या है, हमने स्व के ऊपर बिंदु लगा के अनुसार बना दिया है, ठीक है ना। अब आगे और देखिए, प्रियम वदः, तो प्रियम वदः, रामम नमामि, यानी कि इस माँ का क्या कर दिया हमने, यहाँ माँ के ऊपर क्या कर दिया, अनुसार लगा दिया, तो क्या हो गया, रामम नमामि। सत्यम शिवम, यानी कि सत्यम भरंत माँ का अनुसार इसमें भी हमने बना दिया, तो क्या बन गया, सत्यम शिवम, है ना। मातरम बंदे, तो इसका क्या बन गया, मातरम बंदे, यानी कि अपन को जो अनुसार है उसको क्या लगाना है, वो माँ है उसको क्या बनाना, अनुसार बनाना, ये हमारी क्या है, अहम धमामी, धबामी, तो अहम धबामी। यहाँ हमने अनुसार संधि में हरंत माँ को क्या है, सो जो वो क्या किया है, अनुसार बना दिया है, किसके रहने पर, व्यंजन के रहने पर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे की जो संधि है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।